हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अरमन और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, ये सबसे एक डिमांडेड वीडियो है जो मेरे सब्सक्राइबर्स कब से कह रहे थे मुझे। तो आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं मैनुअल डीकंप्रेसर। जी हाँ, मैं आपको उसकी इंस्टॉलेशन बताऊंगा और बताऊंगा क्या आप उसे लगवाना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चेंज करना पड़ेगा मैं आपको बता दूँ पहले कि आपको जो नीचे साइड वाला स्पार्क प्लग है, राइट साइड वाला, उसको निकाल के ये जो मैंड्रल है किट के साथ में आया है, आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। किया कुछ नहीं है उन्होंने, जिन्होंने ये किट बनाई है ये चीज़ आपको बाज़ार में से CI की वैसे ही मिल जाएगी। और ये एक मैंड्रल उन्होंने तैयार किया है जो कि हमारी हेल्प करेगा इसके हेड में इसको माउंट करने के लिए। और इसके बाद हमें चाहिए एक वायर जो कि इसको ऑपरेट करेगी, ये भी आपको पुराने CI मॉडल्स की मिल जाएगी। और एक हमें स्विच चाहिए जो कि जिसके नीचे डिकम्प्रेशर का हमारा स्विच हो या लीवर हो जिससे कि हम ऑपरेट कर सके इसे। तो ये तीन चीज़ें हैं हमें मेनली जो है वो इंस्टॉल करने पड़ेगी। और अनइंस्टॉल अब क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी एग्जॉस्ट कैमशाफ्ट है उसमें से जो ऑटो डिकम्प्रेसर की पिन है वो निकालनी पड़ेगी। तो वो मेन काम है, सबसे पहले हम ऑटो डिकम्प्रेसर की पिन निकालते हैं और फिर हम इन चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए पिन निकालते हैं। तो पिन निकालने के लिए हमें जो हमारा RH कवर है वो खोलना पड़ेगा। RH कवर को खोलने के लिए हमें किक और जो हमारा फुट रेस्ट है उसे खोलने की जरूरत पड़ेगी। अब ये जो है हमारी एग्जॉस्ट कैम है, हमें इसमें से ये जो हमारा लीवर सिस्टम है ये बाहर निकालना है। उसके लिए हमें चाहिए ये 3 नंबर की अलकी। तो अलकी से हम ये यहाँ पे जो बोल्ट लगा हुआ है इस बोल्ट को खोल लेंगे। ध्यान रखना है इसके बीच में एक स्प्रिंग भी है, वो भी ध्यान से हमें बाहर निकालना है। तो ये स्प्रिंग समेत हमारा लीवर जो है वो बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे एक पिन है जो एज ए डिकम्प्रेसर पिन मेन पिन है वो काम करती है। तो वो हम इस प्लास की मदद से इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये है हमारी वो मेन डिकम्प्रेसर की पिन। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हमने खोला था वैसे ही इसको बंद कर देना है और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या करना है। तो फ्रेंड्स, ये किट मैंने जैसे आपको दिखाई, इसका सबसे बड़ा फ्लॉ जो है वो यही है कि ये पूरा एक यूनिट नहीं है। अब यहाँ तो इसको एक यूनिट करने के लिए हम वेल्डिंग करवाएंगे यहाँ से, जो कि अपने आप में एक बड़ा काम है, या फिर हम यहाँ पे एरल लाइट लगा सकते हैं। हमें इसको एक यूनिट इसलिए बनाना है ताकि जब हम इसको टाइट करने लगे अपने हेड के बीच में, और अगर ये एक यूनिट ना हुआ तो हमारा सिर्फ ऊपर वाला ये हिस्सा खुल जाएगा। तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि हम इस चीज़ को अपने हेड में से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे
एरर लाइट का यूज़ कर रहा हूँ अपनी थ्रेड के ऊपर और फेस के ऊपर एरर लाइट लगा के हम इसको एज ए वन यूनिट एज ए यूनिट इंस्टॉल करेंगे ताकि हमें बाद में कोई परेशानी ना आए। ये मैं कहूँगा कि एक मैन्युफैक्चर का फ्लॉ कह लीजिए या जिसने भी ये जुगाड़ करने की कोशिश की है उसने इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा, तो इस चीज़ को हम ऐसे रेक्टिफाई करेंगे। तो मैं एरर लाइट लगा लेता हूँ और फिर इसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैंने जो आरएच कवर है वो दोबारा से लगा कर और ऑयल डाल दिया है। अब हमें टैंक खोलना पड़ेगा क्योंकि हमें ये रॉकर कवर खोलने पड़ेंगे इस चीज़ को टाइट करने के लिए, और मैं फिर आपको दिखाऊंगा कि इस चीज़ से वायर जो है वो निकाल कर कैसे इस स्विच तक लगानी है। तो चलिए प्रोसीजर शुरू करते हैं। अब हमें खोलने हैं ये 5 नंबर की एलगी वाले बोल्ट और दोनों कवर को बाहर निकालने हैं। अब हमें ये जो चीज़ है हमारे इस स्पार्क प्लग की जगह पे लगानी है, तो हमें ये निकाल के और स्पार्क प्लग को बाहर निकालना है। ये टूल आपको आपकी टूल किट में ही मिल जाएंगे। अब ये वायर जो है हमें इसके बीच में लगानी है, तो इसको यहाँ से ऐसे करके पहले मैंने सोचा था इसको बीच में रख के लगा लेते हैं, मगर ऐसा करने से क्या होता था कि ये जो हमारा प्लंजर है वो ऐसे बीच में चला जाता था, तो इसलिए हमें ये प्लंजर बाहर रखने के लिए इसको बाहर से ही पहले वायर लगानी पड़ेगी। तो ये इसको ऐसे और ये चीज़ हमारी ऐसे हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा वॉशर है वो हम लगाएंगे। जब ये हमारा फिक्स हो जाएगा तो हमें जो वायर है इसके बीच में से निकाल देनी है ताकि हमारा प्लंजर जो है वो जाम रहे एक जगह पर। और ये तारों को हमें स्प्लिट कर देना है। और इसके बाद हमें इसको फिक्स करना है। जैसे कि मैंने बताया इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, सिर्फ हाथ से हल्का सा टाइट करना है ताकि हमारा हेड ना ख़राब हो। और इसके बाद हमें जो वायर है ये उस साइड पे लेके जानी है और अब हम यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो हमारी हाई टेंशन वायर है इसमें करंट जो है वो काफ़ी वोल्ट्स होता है, तो हम ये वाला हमारा जो इधर ये कॉइल लगी हुई है इस कॉइल को ही डिस्कनेक्ट कर देंगे। इसका एक प्लग इसके पीछे ही है, और ये चीज़ इसकी बाहर आ जाएगी। तो इस चीज़ को हम एज इट इज़ ही बाहर निकाल लेंगे और इसका जो दूसरा ये हाई टेंशन वायर है ये भी बाहर निकाल लेंगे। तो ये रही हमारी हाई टेंशन वायर और ये रही कॉइल। अब ये जब तक ये मैनुअल डिकम्प्रेसर लगा रहेगा तब तक इसका कोई काम नहीं है, तो हम इसको संभाल के रखेंगे। और अब हम लगाते हैं इसके रॉकर कवर और उसके बाद हम लगाएंगे ये स्विच और इंस्टॉल करेंगे डिकम्प्रेसर को ऑपरेट करने वाला जो स्विच है। रॉकर कवर इंस्टॉल करके टैंक इंस्टॉल करके हम स्विच के इंस्टॉलेशन पर मिलते हैं। अब हमने ये वायर इंस्टॉल कर दी है और अपने डिकम्प्रेसर भी इंस्टॉल कर दिया है। अब हमने ये हमारा स्विच जो है वो रिप्लेस करना है क्योंकि यहाँ पे हमारा डिकम्प्रेसर का कोई भी लीवर नहीं दिया गया है, तो ये एज इट इज़ ही ये टाइलें खोल के यहाँ से खुल जाएगा और ये जो हमारी सॉकेट है इसमें एज इट इज़ ही सॉकेट वो वाली नए की लग जाएगी।
तो चलिए इसको मैं खोलता हूँ। इसको खोलने के लिए आपको यहाँ से ये वाला जो पेच है इसको खोलना पड़ेगा। तो इसके बाद हमें ये टाइज जो है वो खोल लेनी है और हमारा जो स्विच है वहाँ पे जो मैंने कॉम्बिनेशन स्विच दिखाया था उसमें लगाना है। तो टाइज हम खोल लेते हैं। तो ये जो हमारा कपलर है ये ऐसे ही जिस कपलर में से हमने निकाला था सब कुछ उसी में लग जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पे पहले जैसे ही टाइल्स लगा देंगे। तो टाइल्स जो है हमने लगा दी है। अभी अंधेरा बहुत हो गया है, इसकी वर्किंग मैं आपको कल दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स अभी हमने सब कुछ इंस्टॉल कर लिया है। मैं बता देता हूँ कि क्या क्या इंस्टॉल किया है एक बार फिर से। हमने ये स्विच को चेंज किया है क्योंकि पुराने स्विच में ये वाला डीकम्प्रेस का फंक्शन या लीवर नहीं रहता है। और इसके अलावा हमने यहाँ से ये स्पार्क प्लग को निकाल के ये डीकम्प्रेसर का लीवर जो है या हम कहें कि एक डीकम्प्रेसर जो मेन है वो फिट किया है। और साथ में हमने फिट की है ये वायर जो इसके नीचे आती है जो इसको ऐसे या मैं दिखा देता हूँ कैसे ऑपरेट करेगी। ये देखिए मैं प्रेस करूँगा तो ये इसको नीचे को प्रेस करेगी वायर। तो अब डीकम्प्रेसर फंक्शन यही होता है फ्रेंड्स कि जब ऑटो डीकम्प्रेसर बीच में से निकल गया तो किक जो है काफ़ी हार्ड हो जाएगी। तो उसको सॉफ्ट करने के लिए ये सिलेंडर में से थोड़ा सा प्रेशर को रिलीव कर देता है ताकि किक हमारी जो है वो सॉफ्ट हो जाए और उसको मारने किक को मारने में हमें कोई तंगी ना आए। तो अभी सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है तो अभी देखते हैं इसकी आवाज़ में कोई फ़र्क आया ना या नहीं। तो ऑन कर दिया है मैंने इंजन को, स्विच ऑन करते हैं। तो अभी यहाँ से आप देख सकते हैं कोई इंजन में से फालतू टिक टिक की नॉइज़ नहीं आ रही है। आप प्लीज़ हेडफोन यूज़ कीजिएगा इसको सुनने के टाइम ताकि आपको थंब का पता चल सके। और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इसकी लो आरपीएम पे इसकी परफॉर्मेंस क्या है। ये देखिए अब जब ऑटो डीकंप्रेसर लगा रहता है तो इतने लो आरपीएम पे कभी भी हमारा बाइक जो है वो नहीं चल सकता। तो इस मैनुअल डीकंप्रेसर में आप देखिए बिल्कुल लो आरपीएम पे चल रहा है जैसे पहले बुलेट चला करते थे। तो फ्रेंड्स ये था ऑटो डीकंप्रेसर की इंस्टॉलेशन। अब थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग।
इसका फ़ायदा तो यही होगा कि एक तो बीट में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है और बीट थोड़ी सी बढ़ गई है। जैसे कि हम कहते थे कि CI बुलेट्स की बीट जो है वो ज़्यादा थी, इनकी कम है, तो इस केस में थोड़ी सी बीट जो है वो ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल CI वाली नहीं हो गई है मगर ज़्यादा हो गई है। और इसके अलावा अगर मैं आपके साथ बात करूँ तो एक यहाँ पे हमारी डिसएडवांटेज ये है कि हमारा एक स्पार्क प्लग जो है वो निकल गया है और हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने इग्निशन के साथ। तो मेरा शक यही है कि अभी इसकी एवरेज में काफ़ी काफ़ी तो नहीं, कुछ ना कुछ डाउन ज़रूर आएगी हमारी एवरेज, क्योंकि फ्यूल जो है वो अच्छी तरीके से बर्न नहीं होगा, ऑप्टिमली बर्न नहीं होगा, कुछ ना कुछ अनबर्न रह जाएगा, ये मेरा सोचना है। अब असल में क्या होगा ये तो रिजल्ट्स देखने के बाद ही पता लगेगा। और इसके अलावा ये किट कहाँ से मैंने परचेज़ की है वो मैं आपको तभी बताऊँगा अगर मुझे लगेगा कि ये वर्थ है लगाने के लिए। इसकी कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं 1800 से 2000 के बीच में मुझे पड़ा है। और इसके अलावा इसकी इंस्टॉलेशन तो बिल्कुल आसान सी है, मैंने कल बताया ही था कि यहाँ से हमें ऑटो डिकम्प्रेसर को की पिन को बाहर निकालना पड़ेगा और इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तीन चीज़ें हैं, इंस्टॉल करने के बाद ये आसानी से काम करेगा। और इसके अलावा वो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से परचेज़ करना है वो मैं आपको तभी बताऊँगा जब अगर मुझे लगा कि ये वर्थ है। और आपको कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज ही है, जितनी शेयर करेंगे उतनी बढ़ेगी। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू ट्यून ऑफ, मैं फिर हाजिर रहूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।